कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान पर पलटवार किया है। चौधरी ने कहा कि शिवराज सत्ता में रहकर भी झूठ बोलते हैं और अब विपक्ष में है तो भी झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने की राजनीति बंद कर शिवराज जी को पूर्ण सीएम के पद की गरिमा रखनी चाहिए। किसानों का कर्ज माफ हो चुका है, कमलनाथ सरकार ने किसान का बिजली बिल आधा किया है। वहीं छात्रों को लैपटॉप की राशि के सवाल पर कुणाल चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व सरकार में भांजे भांजियों की योग्यताओं का बेरहमी से कत्लेआम किया गया, प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया, दूसरे प्रदेश के युवाओं को रोजगार बेचने का काम शिवराज सरकार ने किया है। आज विपक्ष में आने के बाद भी उस झूठी बात को कायम रखते हैं। मैंने उनसे भी आग्रह करा कि आप चाहे अपने खुद का ध्यान नहीं रखें पर जो पूर्व मुख्यमंत्री पद की गरिमा है उसका तो कम से कम ध्यान रखें। और 13 साल आप मुख्यमंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री के पद की अगर गरिमा रखेंगे तो आपको सबको मालूम है कि मध्य प्रदेश के अंदर पहले दिन कमलनाथ जी ने साइन किए लगभग 50,000 तक के कर्जे वापसी वालों के खातों में पैसा पहुंच चुका है। 1 लाख और 1.5 लाख 2 लाख तक की प्रोसेस चल रही है, उनके अंदर खातों में पहुंच जाए। कई त्रुटियां और कई घोटाले इस बीच में थे, उनको भी लाना है जनता के सामने कि कैसे जनता की गाड़ी कमाई पिछली सरकार लूट सको तो लूट योजना चला रही थी। तो उसके माध्यम से जो जो चेक होते जा रहे हैं पहुंचते जा रहे हैं, इसकी चिंता ना करें। एक वचन की सरकार, इसने कर्जा माफ करा, बिजली बिल हाफ, तो क्योंकि भांजे भांजी का कहने से रिश्ता नहीं होता। शिवराज सिंह चौहान वो मुख्यमंत्री रहे जिनके राज में भांजे भांजियों के लिए उनकी योग्यताओं का बेरहम कत्ल और पढ़ने वालों का सामूहिक नरसंहार व्यापम जैसा घोटाला हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश के नौजवानों की पीढ़ी को के भविष्य को कत्लेआम कर दिया गया। मोबाइल के नाम पे क्या लूट सको तो लूट योजना, हर मामले के अंदर सिर्फ भावनात्मक बात करते थे और झूठ बोलते थे और जोर से बोलने का काम करते थे। मध्य प्रदेश के अंदर नौजवानों को रोजगार नहीं दिया, बाहर के नौजवानों को रोजगार बेचने का काम किया। ये नौजवानों की बात करें, ये बेहतर नहीं होगा। हमारी